फ्रेंड्स, वेलकम। अभी हम चेक करेंगे आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तीन कार्ड्स हैं, आपको एक कार्ड चूज़ करना है। टाइमलेस है रीडिंग, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, सभी साइंस के लिए है। अगर आपसे करें तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। नवरात्रे चल रहे हैं, सभी लोग जय माता दी जरूर लिखें। कार्ड नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है, इट्स कॉन्शियसनेस। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका माइंड काफ़ी शार्प है, आपकी डिवाइन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं एंड लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी हैं। आप बहुत समझदार हैं, सेंसिबल हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, वो रीडिंग्स पेड होती हैं। कार्ड नंबर टू जिन्होंने चूज़ किया है, इट्स ट्रस्ट। आपके पर्सन का मानना है कि आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आप पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है और वो ये समझते हैं कि आप भी उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप उनके लिए इमोशनली बहुत कुछ सोचते हैं और सिमिलरली वो भी आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। उनका मानना ये है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। आप भूलकर भी किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। तो कार्ड नंबर थ्री जिन्होंने चूज़ किया है, इट्स गिल्ट। आपके पर्सन का मानना है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी से छोटी बात आपको बुरी लग जाती है, आपको हर्ट कर जाती है। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत मासूम हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। अक्सर लोगों ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है और आपको दुख पहुँचाया है। आपके पर्सन का मानना है कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हैं कि वो गलतियां जो आपने की भी नहीं हैं उनका भी समटाइम गिल्ट ले लेते हैं कि हाँ मेरे से ही कुछ भूल हुई होगी, तभी सामने वाले ने मुझे ये कह दिया या तभी सामने वाले ने मेरे साथ ये कर दिया। तो आप दूसरों के दोष भी अपने सर पे ले लेते हैं, आप इतने भोले हैं। तो गाइज़, ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।